जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोगों को बता दें, टिकट बुक कराना अब आसान होगा। मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन कराना आसान होगा। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी प्रक्रिया, टिकट बुकिंग कैसे कराना है, बुकिंग कराने के लिए कहां जाना पड़ेगा, कितने से कितने समय के बीच टिकट बुक करवा सकते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन कराना होगा बहुत आसान, क्योंकि देखिए पहले जो आरक्षण काउंटर था वो मंडला के नेहरूगंज रेलवे स्टेशन में था। आरक्षण काउंटर छोटी लाइन के पुराने स्टेशन में होने के कारण लोग टिकट बुक कराने के लिए सीधा बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन पहुंच जाते थे। वहां से उन्हें वापस आकर पुराने छोटी लाइन के स्टेशन जाना पड़ता था, फिर वो रिजर्वेशन करवा पाते थे। इसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोग तो जानते थे रिजर्वेशन काउंटर के बारे में, लेकिन नए लोगों को स्टेशन के दो चक्कर पड़ जाते थे। लेकिन अब ये चक्कर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब इतने वर्षों से छोटी लाइन के स्टेशन से संचालित आरक्षण काउंटर बड़ी लाइन के स्टेशन बिल्डिंग में परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है। मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन की मुख्य बिल्डिंग में रिजर्वेशन काउंटर ओपन हो चुका है। आने वाले समय में जब मंडला से पैसेंजर ट्रेनें शुरू होंगी तो UTS अनरिजर्व टिकट सिस्टम के द्वारा जनरल टिकट बिक्री भी मेन स्टेशन बिल्डिंग से ही होगी। मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन की एकमात्र न्यू स्टेशन बिल्डिंग में ही रिजर्वेशन व UTS की सुविधा मिलेगी। अब छोटी लाइन के स्टेशन से संचालित आरक्षण काउंटर पूरी तरह से बंद हो चुका है। चलिए अब आप लोगों को आरक्षण काउंटर की टाइमिंग बता देते हैं। काउंटर दिन में सुबह 8 बजे खुल जाता है और दोपहर 2 बजे बंद होता है। टाइम का विशेष ध्यान रखें, मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन करवाने हेतु समय सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रहता है और रविवार को काउंटर बंद रहेगा। हफ्ते में 6 दिन निर्धारित समय पर आरक्षण काउंटर खुलेगा, रविवार अवकाश रहेगा। टिकट बुकिंग के लिए सीधे मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन नई बिल्डिंग में जाएं। मैंने आप लोगों को पूरी प्रक्रिया बता दी, टिकट बुकिंग कैसे कराना है, टिकट बुकिंग के लिए कहां जाना पड़ेगा, कितने से कितने समय के बीच टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को ठीक से बता दिया। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी को इस जानकारी का पता होना बहुत जरूरी है। और साथ ही हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।